नमस्ते एंड वेलकम टू योग आरती। मैंने ली थी 90 डेज थाई फेट लॉस चैलेंज, जिसमें वीक में दो बार एक्सरसाइज करनी थी, लेग वर्कआउट करना था, बाहर का जंक फूड एंड शुगर बिल्कुल भी नहीं लेना था, जितना हो सके उतना हेल्दी खाना था, और वो चैलेंज आज कंप्लीट हो चुकी है। हाय हाय, इतना सुकून। आज सबसे पहले रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने क्या क्या मिस्टेक की और कंक्लूजन देखेंगे। तो चलिए रिजल्ट से शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग का वेट 61 पॉइंट समथिंग है और अभी का वेट 57 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 3.5 से 4 kg का डिफरेंस है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा डिफरेंस है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि खाना स्किप कर दिया या बहुत ही कम खाना खाया क्योंकि वेट कम हो जाए। जितना मैं खाती थी उतना ही खाया, सिर्फ मैंने जंक फूड एंड शुगर के बदले में हेल्दी ऑप्शंस लिए थे। ये आप सारे वेट देख सकते हैं, फर्स्ट से लेकर एक एक मंथ के बाद के वेट। ऐसा भी नहीं है कि वेट बिल्कुल कम ही होता जा रहा था, अप डाउन बिल्कुल हो रहा था, पर ओवरऑल कम हो रहा था। इसमें भी मैंने कुछ मिस्टेक्स किए हैं, पर वो आगे देखेंगे। अब देखते हैं मेजरमेंट्स। आप देख सकते हैं इसमें भी मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। हो सकता है कई बार मेजरमेंट लेने में मेरी गलती हुई हो, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, इससे पहले मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है, तो हो सकता है मिस्टेक हुई हो। पर ये चेंज सिर्फ नंबर में ही नहीं है, रियल में भी मुझे काफ़ी चेंज लगा है। ये है बिफोर एंड आफ्टर वाली इमेज, जिसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि डे वन की जो इमेज है उसमें फेस में काफ़ी ज़्यादा फैट है, जबकि अब की जो इमेज है उसमें फैट कम है। यह था इमेज बिफोर एंड आफ्टर, जिसमें आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, पर ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा। इसमें मैंने कोई भी एडिटिंग नहीं किया कि पहले बहुत बड़ा दिखाओ फिर स्लिम करके बहुत कम दिखा दो, जो भी है रियल है। यहाँ पर मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो कि फैक्ट या मीथ में हम कई बार देखते हैं कि पर्टिकुलर एरिया की फैट लॉस करना पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस किया है कि पर्टिकुलर एरिया की फैट लॉस करना पॉसिबल नहीं है, पूरी बॉडी की ही फैट लॉस होगी, चाहे हम जितना भी एक पर्टिकुलर एरिया पे एक्सरसाइज कर लें। तो आप जो कोई भी चैलेंज लेने जाओ तो ये बात ध्यान में रखना कि पहले तो फुल बॉडी की ही फैट लॉस होगी, उसके बाद जब फैट बराबर रिड्यूस हो जाएगी तब आपको पर्टिकुलर एरिया पे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हर रोज़ एक ही पार्ट की एक्सरसाइज करें, जैसे लेग की करते हैं तो रोज़ लेग की एक्सरसाइज करें, इससे भी हमें गलत रिजल्ट मिल सकता है। हमें जिस पार्ट का रिजल्ट चाहिए, जैसे कि थाई फैट रिड्यूस करनी है, तो हफ्ते में 3 से 4 दिन थाई फैट के लिए एक्सरसाइज रखनी है, पर उसके बाद जो दूसरे दिन है उसमें फुल बॉडी वर्कआउट या फिर योगा या फिर कार्डियो ऐसा कुछ रखना चाहिए। अब बात करते हैं मैंने क्या क्या मिस्टेक की। मिस्टेक नंबर 1 कि मैंने एक भी चीट डे नहीं रखा था। मैंने ऐसा सोचा कि 90 डेज 3 महीने तो ऐसे ही चले जाएंगे, मैं कर लूँगी आराम से। पर जैसे ही 1-2 महीने गए उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा जंक खाने की क्रेविंग होने लगी, और उसके बाद बहुत ज़्यादा हार्ड रहा मेरे लिए। इसी क्रेविंग की वजह से मैंने एक बार चीट मील ले लिया था और पूरे दिन के लिए ले लिया था। इससे अच्छा है कि मैंने 1 महीने में 1 चीट मील ले लिया होता तो मेरी क्रेविंग्स वहाँ पे ही ठीक हो जाती, और उसके बाद वाला जो 1 महीने है वो मैं आराम से कर पाती और उसके बाद भी 1 चीट मील ले लेती। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना रहते हुए प्रैक्टिकल रहना चाहिए और बॉडी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही रूल्स बनाने चाहिए। मिस्टेक नंबर 2 कि मैंने वर्कआउट डेज डिसाइड नहीं किए थे। मैंने सिर्फ इतना सोचा था कि वीक में 2 बार एक्सरसाइज करनी है, पर ये डिसाइड नहीं किया था कि कब। इससे क्या होता था कि जब वीक फिनिश होने आता था सिर्फ 2 ही दिन बाकी रहते थे तब मैं एक्सरसाइज करती थी, पर मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया होता कि मैं मंडे एंड थर्सडे ये 2 दिन एक्सरसाइज करूँगी, तो उससे हमारे माइंड को सिग्नल मिल जाता है कि आज तो एक्सरसाइज करनी है, अदरवाइज स्किप होता रहता है, और जब लास्ट डे आता है तभी हम कंप्लीट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऐसा पहले से किया होता तो मुझे और अच्छा रिजल्ट मिलता। तो कभी आप ऐसी चैलेंज ले तो वर्कआउट डेज एंड हो सके तो उसका टाइम भी पहले से ही डिसाइड कर लें, तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मिस्टेक नंबर 3 कि मैंने खाने के लिए कोई पोर्शन डिसाइड नहीं किया था। इससे क्या होता था कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जंक नहीं खा रही हूँ, मैं बाहर का नहीं खा रही हूँ, मैं हेल्दी खा रही हूँ, तो मैं और भी ज़्यादा खा सकती हूँ, तो ऐसे में कई बार ओवर ईटिंग हो जाती है। पर अगर हम पहले से ही पोर्शन डिसाइड कर ले तो ये होने के चांसेस बहुत ही कम है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो ना करें और पहले ही आप बैठ जाए और डिसाइड कर ले कि मुझे इतना प्रोटीन ज़्यादा लेना है और ये करना है और पोर्शन इतना रखना है, आप माइंडफुल होकर ये सब कुछ पहले से कर लेंगे और फिर उसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा बिना डाइट प्लान फॉलो किए। मिस्टेक नंबर 4
मैंने चैलेंज के लिए सही टाइम नहीं चुना था। अगर आप कोई भी चैलेंज लेने जा रहे हो तो आप पहले देख लो कि इतने टाइम के लिए मुझे चैलेंज लेना है तो इसमें कोई अदर प्लान्स तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा अदर प्लान्स है, जैसे कोई वैकेशन आने वाला है तो वैकेशन में तो हम बाहर घूमने जाते ही है, तो ऐसे बहुत प्लान बनने वाले होते हैं, तो उससे अच्छा है कि वैकेशन को कम्प्लीट हो जाने दो, अच्छे से एंजॉय कर लो, उसके बाद थोड़े दिन के बाद आप चैलेंज ले सकते हो। चैलेंज लेने के बाद कोई इमरजेंसी प्लान हो जाते हैं तो वो तो मैनेज हो जाता है, पर आपको पहले से ही पता हो कि अगले एक दो महीने में ये सब प्लानिंग है, ये सब होने वाले हैं, यहाँ जाने वाले हैं, तो आपको थोड़े टाइम के लिए रुक जाना चाहिए और उसके बाद चैलेंज लेनी चाहिए। इससे डिस्ट्रैक्शन बहुत ही कम होंगे और आप चैलेंज पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे और आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये सब मुझे लगता है कि मेरी मिस्टेक थी। अगर इन सब पे मैंने पहले ही ध्यान रखा होता तो मुझे और भी अच्छा रिजल्ट मिलता, पर ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चलता है। तो अगर आप कोई चैलेंज लेना चाहे तो इस पे ज़रूर ध्यान रखना। अब कंक्लूजन में आते हैं और उसमें भी एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप वेट लॉस या फैट लॉस इसलिए ना करें कि कोई और चाहते हैं कि आप करें। कोई और आपको बोल रहे हैं कि आप तो बहुत ही मोटे हैं, या तो आप बहुत ही पतले हैं, या तो आपका ये एरिया तो बहुत ही बड़ा है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? आप वेट लॉस या फैट लॉस इसलिए करें क्योंकि वो आप चाहते हैं। सबकी बॉडी अलग होती है और सबकी चॉइसेस अलग होती है। किसी को थोड़ा चब्बी साफ थोड़ी फेट वाला फेस अच्छा लगता है और किसी को पतला फेस अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी चैलेंज ले रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो तो ये बात अगर ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो भी आप बहुत खुश रहोगे, और थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं भी मिला तो भी आप खुश रहोगे, क्योंकि आपको किसी को दिखाना नहीं है, ये आप अपने लिए कर रहे हो और आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, जिसमें आप कभी कभी गलतियाँ भी करते हो और उससे भी सीखते हो। तो ये था मेरा रिजल्ट एक्सपीरियंस एंड कंक्लूजन। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ी बहुत वैल्यू मिली होगी। बाकी मैं फैट लॉस में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सीख रही थी, तो इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। आप चाहे तो आप भी कुछ ऐसा नया नया ट्राई कर सकते हैं और सीख सकते हैं। एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्थी। धन्यवाद।